हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहां हम करते हैं बहुत सारे ट्रैवल, नई नई चीजों को डिस्कवर और नई नई जगहों को एक्सप्लोर। आज जिस जगह पर मैं जा रहा हूं वो है दिल्ली, ना ना रियल दिल्ली, दिल्ली 6 चांदनी चौक। तो गाइस, चांदनी चौक मशहूर है अपने ओल्ड दिल्ली कल्चर के लिए, स्ट्रीट्स के लिए, फूड के लिए, लोगों के लिए और अपने पुराने पुराने बिल्डिंग्स के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए। चांदनी चौक यहाँ से दूर है तकरीबन 15 किलोमीटर एंड आई कैन टेक। श्यामे मलंग सी, राते सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा दी आए आए, इलाही मेरा दी आए आए। तो हाय गाइस, फाइनली आई रीच टू ओल्ड दिल्ली। बस में मुझे जाऊँ कि छोड़ दिया है, सो मेरे को आधे घंटे वेट करना पड़ा था जस्ट टू टेक दिस बस 403। सो अगर आप दिल्ली के किसी भी एरिया से में रहते हैं सो प्लीज़ यू कैन टेक मेट्रो आई गेस, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बिकॉज अगर आप बस लेते हैं या कैब और ऑटोज लेते हैं सो ट्रैफिक इतना मिलता है कि आप या तो ट्रैफ में फंस जाएंगे या फिर लेट हो जाएंगे आप हॉस्पिटल। तो आई गेस मेट्रो सबसे पुरानी दिल्ली या दिल्ली से पहुँचने के लिए। सो वॉयलेट लाइन पर आप जामा मस्जिद और लाल किला या फिर येलो लाइन पर आप ले सकते हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, जो कि आपको इजीली और आई गेस मोर कंफर्टेबली यहां पर पहुंचा देगा दिल्ली 6। सो नाउ आई एम इन दिल्ली 6, लेट्स गो, देखते हैं क्या मिलता है, कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। हे गाइस, सो मेरे जस्ट पीछे है मशहूर और आइकॉनिक रेड फोर्ट लाल किला, और जस्ट उसके स्टार्टिंग में यहाँ पर एक दिगंबर जैन मंदिर है और उसके उधर ही जस्ट एक माता का मंदिर है। सो अगर यहाँ तक आए हो तो दर्शन तो ज़रूर करके जाना। तो कल ही जन्माष्टमी थी और आज श्री गौरी शंकर का मंदिर इतना सजा हुआ है और बहुत सारे सब तैयारियां, बहुत सारे भक्त वगैरह सब आए हुए हैं। सो अगर यहाँ तक आए हो तो दर्शन तो ज़रूर करके जाना बॉस। मैं भी जा रहा हूँ बट दे वॉन्ट अलाउ मी टू रिकॉर्ड। सो गाइज, ये है चांदनी चौक की सबसे बिजी सड़क। ये एक ऐसी सड़क है जिस पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ है इसी सड़क पे। आई जस्ट वंडर के लोग अपनी कार वगैरह लाने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं चांदनी चौक में, बिकॉज टू क्राउडी, ट्रस्ट मी, इतना सब कुछ ऊंचा बिछा है कि कांट टेल यू, बहुत भीड़ होती। सो आई एम गोइंग टू शो यू द कैमरा मार्केट ऑफ चांदनी चौक। यहाँ आप कैमरा रिलेटेड सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, यहाँ आप सब कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, फ्रॉम कैमरा टू लेंस टू माइक टू एवरीथिंग, जस्ट फॉर योर यूज बेसिकली। ट्राईपॉड मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा एंड एवरीथिंग यू कैन टेक फ्रॉम यू। वाओ, सो दिस इज कैमरा मार्केट। सो इफ यू आर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल और मे बी सम ट्रैवल वीडियोज एंड एवरीथिंग, यू कैन टेक एवरीथिंग फ्रॉम योर, सब कुछ ईजी मिल जाएगा और काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगा।
So guys, I want to share an experience with you that चांदनी चौक में लोग जितने अच्छे भी हैं और उतने ही कॉन्स भी भरे पड़े हैं यहाँ पर. लाइक अगर आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे तो आपको यहाँ कॉन्स भी मिलेंगे जो ट्राइंग टू कॉन यू. लाइक कभी आपको कुछ बेचना इज ओके, ठीक है, बेच रहे हो आप, किसी को कुछ दे रहे हो, दैट्स योर बिजनेस, दैट्स योर जॉब बेसिकली. बट बहुत लाइक तेज़ दिमाग के लोग होंगे जो आई डोंट नो किसी भी बात में फंसाएंगे. एंड आई डोंट नो उनका क्या दिमाग में क्या चलता है, व्हाट दे वांट रियली फ्रॉम यू. बस लेकिन कुछ ना कुछ करके तो जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड देम. कुछ भी बोलें, कुछ भी हो, जस्ट निकल जाओ वहाँ से, कट लो, बिकॉज इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. अगर एक बार उनके हाथ पे चढ़ गए तो सो इसलिए कभी भी आपको कोई बिना बात की आवाज़ दे या आपको रुकने को बोले या जस्ट ट्राइंग टू बुली यू, सो जस्ट अवॉइड देम एंड अपना रास्ता पकड़ो और प्लीज़ आगे निकलो. दैट इज़ द बेसिक फंडा चांदनी चौक में. हाय गाइस, सो चांदनी चौक का सेंट्रल बैपटिस्ट चर्च ये मेरे सामने है. सब कुछ एक ही गली पर है, मतलब एक ही स्ट्रीट लाइन पर है. सो दिस इज चांदनी चौक सेंट्रल बैपटिस्ट चर्च और वहाँ पीछे मंदिर है जो अभी स्टार्ट हुआ था. सो आई गेस हाय गाइस, मेरे सामने है चांदनी चौक का फेमस गुरुद्वारा शीशगंज साहिब. सो क्योंकि यहाँ पर चार चीज़ें हैं, चर्च वगैरह वगैरह, तो मैं सोच रहा हूँ गुरुद्वारे के अंदर एक बार चल के देखा जाए. बट से मैं खड़ा हूँ शीशगंज गुरुद्वारे के बाहर और वहीं पर एक ये ठंडी लस्सी मिलती है, जस्ट वर्थ 25 रुपीज़ एंड आई गेस ट्रस्ट मी, बहुत बहुत अच्छी लस्सी है. So guys, after having some good lassi, refreshing lassi, I'm going to Parathe Wali Gali. So hi guys, finally मैं पहुंच गया हूँ पराठे वाली गली. मैं बाहर ही खड़ा हूँ इसके. पहले तो यहाँ पर कोई आइडिया नहीं होता था लोगों को पराठे वाली गली में कैसे एंटर हो, बट अब यहाँ एक बोर्ड लगा दिया है. So you can get inside. तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या है इस पराठे वाली गली में. सो गाइज, ये है पराठे वाली गली, द मशहूर पराठे वाली गली बेसिकली. एक बार मैं यहाँ पहले अपने कॉलेज टाइम पर अपने दोस्तों के साथ आया था एंड आई हैव सम ग्रेट पराठाज आउट देयर एंड ट्रस्ट मी, ये वो दुकान है जहाँ मैंने एक बार पराठा खाया था. एंड यहाँ बहुत मशहूर लोग पराठा खा के गए हैं, लाइक इम्तियाज अली, रणबीर कपूर. सो ये बहुत मशहूर है, ये गली बेसिकली पराठे वाली गली है. मशहूर पापड़ी चांदनी चौक. सुहाना सफर और ये मौसम हसीन और हम जा रहे हैं जामा मस्जिद की तरफ. मैं जमी किसे फर्क पड़ता है, राइमिंग जमी या नहीं. खैर मैं जा रहा हूँ अब चांदनी चौक के एक और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट जामा मस्जिद की तरफ. नो डाउट बहुत खूबसूरत इमारत है और चांदनी चौक आए और जामा मस्जिद न जाए ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो चलो चलते हैं जामा मस्जिद की तरफ भी. सो मैं आ गया हूँ चांदनी चौक की जामा मस्जिद के और भी करीब. वो बिल्कुल मेरे सामने जामा मस्जिद ही है. ईद के आसपास यहाँ पर जितना भी क्राउड लगता है और जो भी माहौल होता है ना देखने लायक होता है.
तो ये जामा मस्जिद मीना बाजार स्ट्रीट, ये पूरी की पूरी बहुत मशहूर है और जामा मस्जिद गेट के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर बहुत कुछ खरीदने को मिलेगा और फूड और थिंग्स एंड क्लोथ्स, काफ़ी कुछ, लिटरली द बेस्ट थिंग्स एंड दीज आर द थिंग्स। सो यहाँ लोग कल्चर जामा मस्जिद में यही है, भीड़ है फिर भी लोग अच्छे हैं। जामा मस्जिद का असली नाम है मस्जिद शाहनुमा, इसको बनाया था 1605 में शाहजहां ने। जामा मस्जिद की मीनार इतनी ऊंची है कि आप यहां से पूरी पुरानी दिल्ली से लेकर उस सीपी तक का नजारा भी देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, इसमें उसी पत्थरों का यूज किया गया है जिसे लाल किले को बनाने के लिए यूज किया गया था। हाय गाइस, सो ये था सफ़र चांदनी चौक का जो कि अब जामा मस्जिद पर आकर ख़त्म हुआ है। सच ही कहा था किसी ने कि यहाँ पर दिल्ली का दिल बसता है, पुरानी दिल्ली में दिल्ली छः। इन माय व्यू चांदनी चौक इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, फूड एंड मार्केट, बस। सो रियल दिल्ली अगर देखनी है तो वो यहीं पर ही है, सो प्लीज़ मस्ट कम। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल अभी, और मिलते हैं किसी नई जगह पर और नई जगह को करते हैं एक्सप्लोर। तब तक सायोनारा एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, बाय बाय।